हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सभी पेरेंट्स का स्वागत है। लेक्चर नंबर 15 हम लोग यहां पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों, ओके। और इसके पहले लेक्चर नंबर 14 तक हमने कर लिया है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम मैथमेटिक्स चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। लेक्चर नंबर 15 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कुछ वेरी सुपर हॉट टाइप प्रॉब्लम, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सब, अभी जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको देखना है, मतलब आपको बताना है कि ये कि ट्रू है या ये फॉल्स है। मतलब क्वेश्चन क्या दिया गया है, द इनइक्वालिटी 2 to the power sin theta, ओके, प्लस 2 to the power cos theta, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 to the power 1 minus 1 by root 2 holds true। आपको शो करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ऑलवेज ट्रू होती है या नहीं होती है, आपको पता लगाना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अब जैसे यहाँ पे बोला है होल्ड्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा। इस चीज़ को लेके हमको इसको सॉल्व करना है। सो गाइज लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके गाइज, आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एपी की प्रॉपर्टी, एपी और जीपी की प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि एज अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये हमें ये बात क्या है पता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ऑलवेज बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम दो नंबर को लेकर के चलते हैं, एक 2 की पावर sin theta और दूसरा 2 की पावर cos theta। तो यदि मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूँ तो 2 की पावर sin theta प्लस 2 की पावर cos theta डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अर्थमेटिक मीन, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, ओके, क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ, ऐसे लिख लो a into b, अंडर रूट ऑफ 2 to the power sin theta मल्टीप्लाई बाई 2 to the power cos theta, ठीक है ना बच्चों। तो अंडर रूट ऑफ 2 to the power sin theta प्लस 2 to the power cos theta, देन चलो इसको फिगर आउट करते हैं। तो 2 to the power sin theta प्लस 2 to the power cos theta, ओके, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 multiply 2 to the power sin theta प्लस cos theta, ओके। 2 को अभी आप मत ले जाओ क्योंकि हमें वैसे ही बहुत बड़ी चीज़ें सॉल्व करनी ऊपर, ओके, 2 to the power sin theta प्लस cos theta। अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी होती है a to the power m whole to the power n, दिस इज इक्वल्स टू a to the power m multiply by n। सो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, वट कैन आई राइट दिस, सो गाइज 2 to the power sin theta प्लस 2 to the power cos theta डिवाइड बाई 2, एंड यूजिंग द पावर ऑफ इंडेक्स आई कैन राइट दिस 2 to the power sin theta प्लस cos theta होल डिवाइड बाई 2। वाई, बिकॉज ये जो रूट लगा हुआ है ना इसके ऊपर, पूरे के ऊपर जो रूट लगा था, एक्चुअली दिस रूट इज denoting the power 1 by 2, so I can bring this power as denominator of sin theta plus cos theta, okay, so now yes, so 2 to the power sin theta plus 2 to the power cos theta divided by 2 greater than or equal to 2। now अब ये जो 2 है, 2 को आप कैसे कर सकते हो, देखो इसको एक 1 by root 2 अंदर कर लो और एक sin theta प्लस cos theta होल डिवाइड बाई रूट टू, बिकॉज रूट टू मल्टीप्लाई करके 2 ही जनरेट करेगा। सो नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 to the power sin theta प्लस 2 to the power cos theta डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ओके, एंड 1 by root 2, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ sin theta मल्टीप्लाइड बाई 1 by root 2 एंड प्लस cos theta मल्टीप्लाई बाई 1 by root 2, डन। सो नाउ सेट, सो 2 to the power sin theta प्लस 2 to the power cos theta डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 to the power 1 by root 2, ओके, आई कैन राइट दिस होल स्ट्रक्चर एज साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4, या थीटा प्लस पाई बाई 4, बिकॉज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की स्ट्रक्चर बन चुकी है, इफ़ यू हैव प्रैक्टिस बेटर यू नो, ओके। सो फाइनली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, इट्स वेरी इजी, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 द वैल्यू ऑफ दिस इज लाइंग बिटवीन -1 to +1, ओके, एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, तो अगर ये इससे बड़ा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू को अगर मैं इंसर्ट कर दूँ तो देखिए 2 to the power sin theta प्लस 2 to the power cos theta डिवाइडेड बाई 2
और ग्रेटर देन और इक्वल टू 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 दी पावर वन बाई रूट टू, ओके। एंड इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ वन, ओके। तो कितना हो गया ये माइनस, मतलब इससे तो हमेशा बड़ी होगी, माइनस वन से बड़ी होगी बिकॉज ये वैल्यू ज़्यादा है इससे, ओके। सो टू टू द पावर साइन थीटा प्लस टू टू द पावर कॉस थीटा डिवाइड बाई टू, क्या हो गया, ग्रेटर देन माइनस टू टू द पावर वन बाई रूट टू, ओके। ये अपने पास में आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे जो पावर है, एक्चुअली पावर ऊपर जाएगी, ये माइनस वन जो है वो न्यू में इसके पावर साइड में है, यस। तो ये माइनस जो है यहाँ नहीं आएगा, ओके, ये माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस वन बाई रूट टू, ओके। नाउ अब देखिए, तो टू टू दी पावर साइन थीटा प्लस टू टू डी पावर कॉस थीटा की हमसे डिमांड की गई है, सो टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू टू डी पावर वन एक अलग है ये वाला टू, एंड इन टू 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 पावर माइनस वन बाई रूट टू, ओके। सो बेस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू की पावर साइन थीटा प्लस टू की पावर कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू टू की पावर वन माइनस वन बाई रूट टू, ओके। टू की पावर वन माइनस वन बाई रूट टू, तो हमसे पूछा गया था, देखिए यहाँ पे टू की पावर वन माइनस वन बाई रूट टू, क्या ये होल्ड्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी बन चुकी है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ट्रू है बिल्कुल, ओके। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये एक हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। और देखिए इसको कैसे करना है, दिया क्या है, इफ एक्स इक्वल टू सेक फाइव माइनस टेन फाइव इन वाई इक्वल टू कॉस एक फाइव प्लस कॉट फाइव, देन शो दैट एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो आपके पास x दिया है, y दिया है और आपको ये शो करना है, तो इसको करने के लिए देखो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक्स वाई, तो हम एक्स वाई के पीछे भागते, तो ये x है ये y है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ओके। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया sec फाइव cos एक फाइव माइनस cos फाइव, माइनस sec फाइव हो जाएगा प्लस cos एक फाइव हो जाएगा माइनस वन। अब लगे हाँ, तो देखो हमें एक्स वाई प्लस वन चाहिए, तो अगर मैं वन को इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास वन प्लस एक्स वाई का काम हो जाएगा, ये इसको मैंने नंबर थ्री दे दिया, अपने काम की चीज़ है। अब देखो हमें क्या चाहिए, एक्स वाई प्लस वन तो आ चुका है, अब हमें चाहिए एक्स माइनस वाई, तो मैंने डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया एक्स माइनस वाई को, ओके। एक्स माइनस वाई मैंने वैल्यू निकाल ली, ये मैंने एक्स वाई माइनस वाई देखो कैसे निकाला, एक्स में से वाई माइनस कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये देखो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ओके। यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाइव, तो ये वन अपॉन कितना हो जाएगा, साइन फाइव कॉस फाइव, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक फाइव सेक फाइव, ओके। ये कितना अपने पास में, ये अपने पास में आ गया एक्स माइनस वाई, ओके। अब आप ध्यान से देखो कि जो आपके पास ऊपर है, आपके पास सेक एक्स माइनस वाई को क्या करना है, आपको इसके साथ ऐड करना है वन प्लस एक्स वाई के साथ, तो वन प्लस एक्स वाई में ये वाली चीज़ है आपकी नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ओके। तो और एक्स माइनस वाई में आपके पास में ये वाली चीज़ है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, और कॉस एक्स वाई क्या नेगेटिव है, ऊपर कॉस एक्स वाई क्या था, पॉजिटिव था, मतलब अगर आप इसको ऐड कर दोगे, इसमें थोड़ा सा टेक्निकली दूसरे तरीके से कर दिया माइनस कॉमन लेके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन भी कर सकते हैं। तो यदि आप डायरेक्टली आप ऐड कर दोगे इसको, इसको आप यदि फोर ले लो, इसको फोर ले लो आप, ओके, और थ्री और फोर को ऐड कर दोगे, तो थ्री कितना आपके पास में, थ्री आपके पास में एक्स वाई प्लस वन, ओके, और फोर आपके पास में कितना आ गया एक्स माइनस वाई, तो यदि आप इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल लेवल का था, ओके, बट आई बिलीव कि ये एनडीए लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 25, ओके, लेंदी क्वेश्चन है बट ज़्यादा मुश्किल नहीं कह सकते आप इसको, ओके। इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि ऑल पॉजिटिव होंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 30 प्लस थीटा, कॉस 45 माइनस थीटा एंड कॉस 120 माइनस थीटा। तो आपके पास कॉस थीटा तो लगे हाँ, तो साइन थीटा आपने निकाल लिया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब देखिए कॉस 30 प्लस थीटा, कॉस 45 माइनस थीटा एंड कॉस 120 माइनस थीटा, उसको वैसे ही रहने दो, इसको भी वैसे ही रहने दो। कॉस 120 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 30 माइनस थीटा, एंड कॉस 90 प्लस, इसको कंप्लीट थीटा के लिए देखा जाए तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 30 माइनस थीटा हो गया, ओके। अब आप इसको ओपन कर दो तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये पहला वाला पार्ट ओपन हो गया। दूसरा वाला पार्ट इसके लिए ओपन होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, एंड साइन 30 माइनस थीटा माइनस लगा करके,
तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी सी, ये पूरा का पूरा ओपन हो गया। वैल्यूज पुट कर दो, कॉस वाले टर्म को सेपरेट कर लो, साइन वाले को सेपरेट कर लो, कॉस वाले को सिंप्लीफाई करो और कॉस की वैल्यू डाल दो, साइन वाले को सिंप्लीफाई करो साइन की वैल्यू डाल दो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और फाइनली आपके पास में देखो एलसीएम जो आएगा कितना आएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 2√2 ये आ गया। और सारे टर्म को टुगेदर ले लो क्योंकि सबका एलसीएम सेम आया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया ये आ गया। अब इसके बाद अलग अलग आप इसको डिवाइड कर दो 2√2 2√2, जिससे √2 √2 कैंसिल हो जाए अच्छी बात है, जिससे ना हो ठीक है। अब देखो फाइनली आपने क्या किया, आपने 23/17 कॉमन ले लिया, देखो यहाँ कितना बच गया 23, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 23/17 कॉमन आ गया, √3 - 1.2 बच गया इसमें, और इसमें कितना बच गया 1/√2। तो यही इसका आंसर बनेगा, लेंदी है बस इसकी कैलकुलेशन लेंदी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ओके सो ईजी क्वेश्चन एंड आई रिकमेंड दिस क्वेश्चन फॉर CBSE क्वेश्चंस के लिए, मैं इस क्वेश्चन को रिकमेंड करूँगा। ओके डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके सो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके का क्वेश्चन, JEE मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। ओके तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस टू द पावर 4 π/8 प्लस कॉस की पावर 4 3π/8 ओके प्लस कॉस की पावर 4 5π/8 प्लस कॉस की पावर 4 7π/8 ओके। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, JEE मेंस कह लीजिए या NDA से थोड़ा ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सप्रेशन तो यहाँ पर लिख दिया है, अब देखो जो 5π/8 होता है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो π - 3π/8 ओके, इसको आप लिख सकते हो π - 3π/8 बिकॉज 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बच जाएगा, और इसको लिख सकते हो π - π/8 तो ये हो गया π - π/8। और कॉस π - थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, होता तो माइनस कॉस थीटा बट पावर 4 है तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस π/8। अब इनको ऐड कर दो तो देखो 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर ले लिया अपन ने, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया कॉस 3π/8 को, कॉस को मैंने साइन की फॉर्म में लिख लिया तो कॉस साइन की फॉर्म में लिखा मैंने, कॉस कन्वर्ट कर दिया इसको, तो कॉस की पावर π/8 एंड 3π/8 को मैंने लिखा कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 - थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 - थीटा, तो इसको हमने लिखा है कॉस की पावर 4 3π/8 को। ओके यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आप इसको डायरेक्टली कर लीजिए, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर लो, कैसे यूज़ करोगे आप इसको, यूज़ करोगे आप साइन 90 - थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 - थीटा एंड 90 - 3π/8 इसको कन्वर्ट कर दो, तो देखो ये कितना बन जाएगा π/8, यहाँ पे 4 बन जाएगा 4π, तो पाई हो जाएगा, पाई बाई 8 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास कॉस की पावर 4π/8 साइन की पावर 4π/8 है। इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो इसमें, तो कॉस स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर π/8 ये आपने कर दिया है। अब देखिए ये तो बन गया 1 और 1 - 2 कॉस स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर π/8, तो 2 का मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ, वैसे किया क्या यहाँ पे 12 ओके सॉरी ठीक है बिल्कुल सही है, 2 कॉस स्क्वायर π/8 माइनस साइन स्क्वायर π/8 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बन जा 2 बाहर आ गया -2 साइन π/8, अब देखो 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मैंने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट बना लिया इसको, मतलब 2 बाहर ले करके 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा ना, तो 2 साइन π/8 कॉस π/8 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला से ही बन जाएगा π/4, ये देखो बन रहा है π/4 और π/4 का स्क्वायर 1 - 1/2, सो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 - 1/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो फाइनली इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका पास कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो अपना है कितना आ गया 3/2, ये आपका आंसर है डन। ओके चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है JEE मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये एक आपके सामने बड़ा सा इक्वेशन है, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको फॉर्मेट याद होगा आर कॉस थीटा आर साइन अल्फा है ना, आर कॉस अल्फा ऐसा कुछ मान के इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे कॉस है तो इसको हम क्यों क्या मानना पड़ेगा, इसको हम आर साइन अल्फा मानते हैं, और ये साइन है तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं आर कॉस अल्फा। तो देखिए इसको मैंने आर साइन अल्फा आर कॉस अल्फा ले लिया और आर स्क्वायर करके मैंने साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा से आर आ गया मेरे पास कितना 2√2, और अल्फ़ा निकालने के लिए
दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। तो सभी को पता है कि टेन अल्फा जो होता है इस तरीके से कितना बनता है, पाई बाई ट्वेल्व बनता है। अब वैल्यू वापस में ला के पुट कर दीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू टू, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू टू अपॉन रूट टू, टू से टू कैंसिल हो गया, टू अपॉन टू रूट टू से टू से टू कैंसिल हो गया, वन बाई रूट टू साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू साइन पाई बाई फोर प्लस, ओके साइन पाई बाई फोर ले लिया अपन ने, यहाँ पे कॉमा लगेगा। सो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई फोर, सो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई फोर माइनस पाई बाई टू। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल एकदम, आसानी से कर सकते हैं। और इसको ये जो क्वेश्चन है हॉट्स क्वेश्चन में सीबीएसई में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का दूसरा तरीका है अल्टरनेट मेथड, देखिए क्या किया गया इसमें। तो इसमें इसको आर कॉस, इसमें पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर लिया है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मैंने कॉस ए माइनस बी की फॉर्मेट बन जाएगी। तो रूट थ्री माइनस वन को कॉस आर कॉस अल्फा, रूट थ्री प्लस वन को आर साइन अल्फा, उसी तरीके से सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा ये आर टू रूट टू आ जाएगा। नाउ टेन अल्फा इक्वल टू वही आ गया आपका, कितना टेन अल्फा इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये पाई बाई ट्वेल्व आ जाएगा, है ना, जैसे था ये देखिए। तो इसको सॉल्व कर दिया रूट थ्री कॉमन लेके, सो यहाँ पे ये कितना आ गया देखिए, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन पाई बाई सिक्स, टेन ए प्लस बी का स्ट्रक्चर है तो फाइव पाई बाई ट्वेल्व आ गया, टेन फाइव पाई बाई, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया फाइव पाई बाई ट्वेल्व। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए आर कॉस अल्फा वही साइन कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस कॉस अल्फा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू टू, तो यहाँ से टू अपॉन टू रूट टू जाएगा वन बाई रूट टू, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस पाई बाई फोर, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, अल्फा कितना है यहाँ से फाइव पाई बाई ट्वेल्व है, तो यहाँ पे आकर के टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर प्लस फाइव पाई बाई ट्वेल्व, ये हमारा एक आंसर बनेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर प्लस फाइव पाई बाई ट्वेल्व, ओके डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। सो ओके गाइज, यहाँ पर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, केवल एक क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, आप लोग देख लीजिए इसमें क्या मिस्टेक है, कोई कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़, है ना, तो फिर मैं उसका जवाब आगे आने वाले लेक्चर्स में जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन, नमस्कार।